सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी, सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि सिग्नेचर को कॉपी करना क्या ठीक है, यानी कि हम किसी बड़े आदमी को, किसी आइडियल व्यक्ति को देख करके या किसी सेलिब्रिटी को देख करके जो हम साइन बनाने लगते हैं, तो क्या वो ठीक है, हमारे जीवन में वो क्या सकारात्मक प्रभाव लेकर के आता है, तो आज चर्चा इस पर है। मैं आपको बता दूं कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी बड़े व्यक्ति का साइन कॉपी करने लग जाएंगे तो हम भी उस जैसा बड़ा व्यक्ति बन जाएंगे, जबकि ये बात पूरी तरह गलत है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग है, हर व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र अलग अलग हैं, हर व्यक्ति के जो प्लेनेटरी कंडीशन है उनकी एनर्जी अलग अलग है, और हर व्यक्ति अपने प्लेनेट के अकॉर्डिंग रूल होता है। अगर वो दूसरे प्लेनेट के कुछ चीज़ें लेकर के आ रहा है, बना रहा है और अपना मिसमैच कर रहा है सिग्नेचर, और कॉपी बना करके सोचता है कि वो बहुत अच्छा कर ले जाएगा, तो कहीं पर भी उसको फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग ग्रहों से रूल हो रहा है, अलग अलग ग्रहों से प्रभावित हो रहा है। जैसे मेरा नाम विवेक है, विवेक त्रिपाठी, अब हो सकता है मैं सूर्य ग्रह से ज़्यादा प्रभावित हूँ, हो सकता है मैं मंगल ग्रह से ज़्यादा प्रभावित हूँ, लेकिन अगर मैं भी सोचने लग जाऊँ कि मैं विराट कोहली के वी की तरह मैं उसको कॉपी करूँ तो क्या होगा, वो उसकी स्किल अलग है, उसका क्षेत्र अलग है, उसके कौशल अलग है, मेरा अलग है। हमारा जहाँ ज्योतिष विज्ञान पर मैं बात कर रहा हूँ तो वो खेल पे बात कर रहे हैं। विवेकानंद जहाँ अध्यात्म पर बात करते थे, हिंदू धर्म पर बात करते थे, मेरा ज्ञान अलग है। उनके वी में, मेरे वी में और विराट कोहली के वी में, सब में अंतर आपको मिलेगा, और वो इसीलिए क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग ग्रहों से रूल हो रहे हैं। हाँ, बस अच्छी बात क्या होती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में, कि हम अपने सिग्नेचर को इन्हेंस अच्छा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और उसको ताकि उसमें जो हमारा ग्रह जिससे हम रूल हो रहे हैं उसके प्रभाव को और बड़ा कर सकें। इसलिए ज़रूर ये होना चाहिए कि आप अपने सिग्नेचर के अक्षर को जरूर स्पष्ट करें या बड़ा करें या बेहतर बनाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा का पूरा किसी सेलिब्रिटी के सिग्नेचर को कॉपी करने लग जाएं, वो पूरी तरह गलत है। निश्चित रूप से इससे दुष्प्रभाव ही पड़ेगा, घर में नकारात्मक शक्तियों का आप बुला लेंगे, इन्वाइट करेंगे, वो चीज़ अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, जब भी हम किसी बड़े व्यक्ति के सिग्नेचर को कॉपी करते हैं तो हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ने लगता है, ये भी आप जान जाइए। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति की एनर्जी लेवल अलग है, आपका एनर्जी लेवल अलग है, दोनों का मैच ही नहीं करेगा एनर्जी लेवल, और आप जब भी कॉपी करके सिग्नेचर को बनाएंगे तो आप परेशान होंगे। दूसरी बात, कई लोग ये भी हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ सेलिब्रिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आम जन की बात करता हूँ, लोग अपने माता पिता के, भाई बहन के सिग्नेचर या अपने किसी दोस्त के सिग्नेचर को देख करके कॉपी करने लगते हैं, वो भी गलत है। इस तरह के सिग्नेचर को आप कभी ना करें, और आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने सिग्नेचर को किसी ना किसी से कॉपी करके बनाता है तो उसके जीवन में दुर्घटनाएं, उसके जीवन में संघर्ष, उसके जीवन में परेशानियां ज़्यादा मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसने अपना साइन तो बनाया ही नहीं, उसने तो कॉपी कर लिया। इसीलिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि हर ग्रहों के प्रभाव के अकॉर्डिंग अपना सिग्नेचर बनना चाहिए, और जो आपको निश्चित रूप से 100% फायदा पहुंचाएगा। तो आज चर्चा यहीं तक मैं करूंगा, और आपको जैसे मैंने बताया कि आप कभी भी किसी के सिग्नेचर को कॉपी ना करें, आप ज़्यादा खुश रहेंगे। अपने सिग्नेचर को बनाएं अपने प्रोफेशन और अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ से, तो ज़्यादा अच्छा है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।